एचएचएल टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने के एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया है। अब वो बुधवार को हरियाणा के हिसार में एक दक्षिण पंथी संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कार्यक्रम एक हालिया वीडियो में जो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं उन लोगों को सिर काट दूंगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में आएंगे। उन्होंने सभी हिंदुओं से लव जिहादियों के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने को कहा है और कहा है किसी भी कीमत पे हिंदू धर्म की रक्षा की जाएगी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जाएगा और ऐसा होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। वो आगे कहते हुए जो कोई भी हिंदू के खिलाफ बोलेगा हम बख्शेंगे नहीं, मैं उन लोगों का कत्ल कर दूंगा। देखिए आज की खास रिपोर्ट में। ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी समाज है, इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग में रखकर जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठा कर देखेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। सौगंध मैं आज आपको दिलाने आया हूँ। आज हम देश का वातावरण देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की सोच रखती है, गजवा हिंद करने का सोच रखती है। क्या इन गद्दारों को हम सबको मिलकर जवाब देने की आवश्यकता है या नहीं है? आज हम संकल्प लेते हैं कि जहां जहां पर हिंदुत्व के प्रति अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो मैं वहां पर उपस्थित रहकर मेरे धर्म की रक्षा करूंगा और मेरे हिंदुओं की रक्षा करूंगा। ये भावना सब में आने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल मुझे मरना है, लेकिन तुमसे पहले ही मरूंगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं ना उतने ही मेरे दुश्मन हैं। लेकिन जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान को मैं गर्व से कह सकूंगा कि हे भगवान, मैंने मेरी धर्म की थोड़ी सी सेवा की है। मैंने गौ रक्षा की है, मैंने लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिंदू विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। हमें किसी को मारना नहीं है, या ही हमें किसी को ललकारना है। अगर कोई सेक्युलर इंसान इस सभा में बैठा हुआ है तो मेरी चीज को दूसरे वे में ना ले, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या है मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल हिंदुइज्म पता है। और हमारा सबका एक ही एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और कोई भी ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए नहीं रोक सकेगी। इन जिहादियों को ये सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी रिसर्च किया है? और बिल्कुल वेल ट्रेन इनको अच्छी से ट्रेनिंग कहां से मिलती है कुछ पता है? जब ये लोग 4 या 5 साल के होते हैं तो इनको एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं मदरसा। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, जितने मदरसाए थे सारे के सारे बंद कर दिए, क्योंकि उनके सर्वे में ये आया कि ये पत्थर मारने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है, किसी को लूटने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है। दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला आतंकवादी जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग मदरसा में दी गई। अफजल कसाब जो कि मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाला, मासूम लोगों को गोलियों से भूनने वाला, जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग कहां दी गई? मदरसा में ट्रेनिंग दी गई। भगवे को बचाना है, अगर भगवा बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा।
भगवा बचेगा तो आने वाले समय में ये जो मेरा बच्चा है आज 4 साल का 5 साल का 10 साल का ये आने वाले समय में गर्व से तिलक लगाकर घूम सकेगा। मुझे आज मेरे भगवे को बचाना है। अरे भगवे को झुकाने के लिए एक तरफ ये गोल टोपी वाले लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये ईसाई लोग लगे हुए हैं। क्या हम हमारे भगवे को झुकने देंगे क्या? नहीं। झुकने देंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर, शूर वीरों की धरती पर ये सारे गोल टोपी वाले सर उठा रहे हैं। अरे मेवात में, नू में क्या हुआ ये पूरे भारत का हिंदू देख रहा है कि किस तरह से हमारे नू और मेवात में हमारी भगवा रैली पर इन जिहादियों ने गोलियों से, पत्थरों से, तलवारों से हमला किया। क्या हमारी ये आंखें क्या फूट गई है क्या? क्या हमें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने यहां पर देखा है कि नू में गलत हुआ ऐसे कितने लोग सोचते हैं? आज इसी मंच पर एक हिंदू योद्धा कहूंगा मैं उसे, एक हिंदू योद्धा आया है जिसके पैर पर गोली लगी है, आज उसका मन संवेदन हुआ, जिसने हिंदू की रक्षा के लिए, भगवा की रक्षा के लिए गोली खाई। अरे ऐसे ही एक योद्धा जो पानीपत का था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, अभिषेक ने 4 बसों में भरी हुई हमारी हिंदू महिलाओं की रक्षा की। अभिषेक ने यह देखा कि जिहादी आ रहे हैं बस पर हमला करने के लिए, तलवारों से बस को जलाने के लिए, लेकिन उस एक योद्धा ने छाती तान कर हमारी 4 बसों में भरी हुई उन बहनों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे अभिषेक को हमें प्रणाम करना है। योगी बाबा जी ने जो पैटर्न उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, जो स्टाइल फोड़ने का स्टाइल उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, आज वही स्टाइल हमारे हरियाणा में हो सकता है। पता है ना वहां की पुलिस क्या बोलती है गर्व से? मेरा उत्तर प्रदेश का हाल ही में एक दौरा था लखनऊ का, वहां से अलीगढ़, वहां एक कार्यक्रम था तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए मेरे से मिलने के लिए। मैंने पूछा कि अब आपको कैसा लगता है? तो पुलिस के मित्र ने कहा कि अब हम सीना टोक कर बोल सकते हैं कि रियल में हम पुलिस हैं। हमें आतंकवादियों के पिछवाड़े पर गोली मारने में मजा आता है, हमें लव जिहादियों को ठोकने में मजा आता है, हमें जो हमारी महिलाओं के ऊपर बुरी नजर डालता था, बलात्कार करता था, उनको 72 हूरों के पास भी जाने में मजा आता है। ये आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है, तो सोचो वहां का हिंदू क्या कह रहा होगा।